हेलो कोडर्स, स्वागत है आपका मेरे चैंपियन। आज की स्पीड में हम देखेंगे आप फॉर्म्स के साथ कैसे काम कर सकते हो जेंगो के अंदर। और यार ये चीज एक बिगनर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार अभी के अभी सब्सक्राइब करना हो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मेरे पास कॉन्टैक्ट और HTML है, ये आपको पता ही, हमने पिछले वीडियो में बनाया था। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक फॉर्म रखूंगा, फॉर्म और यहाँ पर एक्शन कुछ नहीं दूंगा और यहाँ पर एक इनपुट दे दूंगा और इनपुट को एक नेम एट्रीब्यूट भी मुझे देना होगा, वो मैं दे दूंगा इनपुट और बटन दूंगा एक और इसको दे दूंगा सबमिट। टाइप भी देना होगा से सबमिट, तो टाइप सबमिट और अपना सर्वर रन करूंगा यार। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन मैनेजर py रन सर्वर। तो ये क्या होगा, मेरा सर्वर चालू हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा गूगल क्रोम में खुल जाएगा। तो चलो ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट स्टेप। फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम गेट रिक्वेस्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं जेंगो के अंदर। तो यार आपको पता ही है, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम गेट रिक्वेस्ट ही मारते हैं। तो यार आपको पता ही हुआ है, ये तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, मतलब जैसे हम यहाँ पर कोई URL डाल देते हैं, गेट रिक्वेस्ट ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मैं एक्शन में कुछ दूंगा, तो आपको मेथड देना होता है, कुछ भी नहीं, गेट और पोस्ट। तो यहाँ पर मैं गेट अभी आपको समझाऊंगा, गेट तो मैं अभी यूज करूंगा गेट। तो गेट फॉर्म के अंदर गेट मेथड आपने तभी यूज करना है जब आपको पता है कि जो भी इनपुट के अंदर जो यूजर डाटा डालेगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं चलो कॉन्टेक्ट पे, तो मतलब यहाँ पर ही कह रहे आप लोग CSS करो, तो प्रीटियर है मेरे पास, तो मेरे को मैं अभी काम करता हूँ सही, इस एरर को करता हूँ सोल्व। काफी आसान है, मुझे पता क्यों हो रहा था, तो होगा हो गया। तो यहाँ पर चल गया, ये एरर हो गया हमारा सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया ये देखो, मैंने करके सॉल्व। फिर आपने फॉर्म में गेट तभी यूज करना है, मेथड गेट तभी यूज करना है जब आपको पता है कि जो भी आप फॉर्म के अंदर क्रेडेंशियल यूजर की ले रही है वो आपको मतलब कुछ ज्यादा सिक्योर नहीं है, किसी को पता लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ नहीं भर सकता। आपने तभी मेथड गेट तभी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेथड गेट के लिए, अब कैसे वो करना है, उसके लिए एक URL बनाया गेट नाम का, जिस पे हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्शन के अंदर यहाँ पर कह दूंगा URL, ये एक URL टैग है यार। इस URL टैग के अंदर आपको नेम देना होता है, जैसे यहाँ पर इस URL टैग के अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने नेम दिया गेट, जो मैंने यहाँ पर नेम दिया हुआ है, तो इस फॉर्म के एक्शन में वो वाला URL आ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ एलिमेंट्स के अंदर, फॉर्म के अंदर ये वो URL आ गया। तो गाइस यही था, मतलब ये URL टैग और मैंने यहाँ पर दिया क्या कहते हैं मेथड गेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं गेट व्यू पे क्या करूँगा, जो यूजर मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है मैं वही उसे ये देखो रिक्वेस्ट और गेट से उसको दे रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट और गेट क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट, अभी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करो रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट के अंदर बताऊँगा इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट वो है जो यहाँ पर मैंने नेम दी हुई है, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट पे बटन पर क्लिक किया तो ये सबमिट क्यों नहीं हुआ। अगर अपने यूजर पी वाई फाइल के अंदर चलूँ तो एक बार मुझे रिफ्रेश करना होगा, मैंने ये मेरा फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा, लगता है मेरे बटन ही सही से लगा। टाइप इसे कर सबमिट देना भाई साहब, बटन दिया हुआ मैंने। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा सबमिट पे बटन पर क्लिक किया, फिर देखो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ASTF, जो भी लिखा था ASTFDS, तो फॉर्म का जो भी लिखा था वो मैंने यहाँ पर रिसीव किया। और यहाँ पर मैं जैसे इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं उस क्या कहते व्यू पे रिडायरेक्ट भी हो रहा हूँ अपने क्या कहते गेट वाले पे। तो यार ये रिक्वेस्ट और गेट की मदद से जो भी हमने क्रेडेंशियल्स दी है, मतलब ले रहे हैं हम फॉर्म के अंदर, वो हम कैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ही HTTP रिस्पॉन्स पे मतलब भेज सकता हूँ, HTTP रिस्पॉन्स में यूजर को रिस्पॉन्स में वो ही दूंगा मैं जो लिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, लिखा है गेट रिक्वेस्ट से सबमिट पे बटन पर क्लिक किया तो जो यूजर ने लिखा वही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और आप देखोगे ऊपर नोटिस करोगे लिंक में जो हमारा URL है, URL के लिंक में भी आ रहा है जो इनपुट की वैल्यू है वो क्या है, लिखा है गेट रिक्वेस्ट, तो इनपुट जो भी से मैंने नेम एट्रीब्यूट दिया था। तो आप गेट रिक्वेस्ट तभी यूज करोगे। तो अब बारी आ गई यार क्या कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट की।
यहाँ पर मैं इसका एक्शन हटा दूंगा, मैं इसी व्यू के ऊपर क्या कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट माना चाहता हूँ जो हमारा कौन सा है आपको बताता हूँ जो इसे रेंडर करेगा। अगर यहाँ पर मैं एक्शन खाली दूंगा तो वो ये उसी मतलब व्यू पे रिक्वेस्ट मारेगा फॉर्म हमारा जो भी इसे रेंडर कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने दिया मेथड पोस्ट, तो मेथड पोस्ट दिया। तो अगर यहाँ पर मैं अब आके यहाँ पर क्या कहते हैं रिफ्रेश करूँ और सबमिट पे बटन पर क्लिक करूँगा तो आपको एक एरर दिखाता हूँ। CSRF वेरिफिकेशन फेल। क्यों? जब आप यार पोथ मतलब पोथ कहने लगते हैं सॉरी, रात को कभी कभी वीडियो बनाता हूँ तो ये आधी रात को बना रही यार, तो थोड़ी सी नींद भी आई हुई है तो यार थोड़ा ऐसे फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं होता, पर मैं तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन नहीं कोई बात की, अच्छे से सुनना आप मेरी बात। तो यार अब मेथड गेट तो आप तभी यूज करोगे जब आपने जो भी क्रेडेंशियल यूजर की ले रहे हो वो अगर किसी को पता लग जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वेबसाइट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब फॉर्म मेथड पोस्ट आप तभी यूज करोगे जब आपको पता है कि जो क्रेडेंशियल्स है, जो भी क्रेडेंशियल्स आप ले रहे हो फॉर्म के अंदर, वो ये प्राइवेट है, वो सिक्योर रखनी है आपने। जैसे लॉगिन के वक्त जब आप फॉर्म मतलब सबमिट कराओगे यूजर का, तो तब आपको क्या कहते हैं मेथड पोस्ट ही रखना होगा, क्योंकि वो यार आपको सिक्योर रखना है, मतलब सिक्योर हो ना, तो कोई भी किसी को भी किसी का पासवर्ड थोड़ी पता लग जाएगा। साइन अप के फॉर्म में भी आपने मेथड पोस्ट यूज करना है, पर जब आप मेथड पोस्ट यूज कर रहे हो जेंगो के अंदर तो आपको फॉर्म के नीचे CSRF टोकन भी देना होता है। ये CSRF टोकन क्यों देना होता है अगर आप मेथड से कुछ पोस्ट यूज कर रहे हो? क्योंकि आप जेंगो क्या करेगा, मतलब यार आप मतलब मैं आपको यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझाना चाहता हूँ, या प्लीज ध्यान से सुनना CSRF टोकन के बारे में। अब यार आप कहीं पे भी फॉर्म यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर जहां मेथड आपने पोस्ट दिया है, आपको वहां पर फॉर्म टैग के नीचे आपको CSRF टोकन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्म के अंदर आपको CSRF टोकन देना काफी जरूरी है, मतलब यार इसके बिना तो मतलब मेथड पोस्ट आपका चलेगा ही नहीं। और अगर आपने बिना CSRF टोकन के भी चलाना होगा तो यहाँ पर आपको view.py फाइल में थोड़ी सी मतलब उस व्यू पे थोड़ा चेंजेस करना होगा। तो अब यार बात कर लेते हैं CSRF टोकन क्यों यूज करते हैं। तो यार देखो जब जैसे गेट रिक्वेस्ट है, जो गेट रिक्वेस्ट वाला फॉर्म था ना वो जिस URL पे सबमिट हो रहा था, अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख लूँ या किसी और वेबसाइट पे वापस गेट रिक्वेस्ट मारूँ वो सेम क्रेडेंशियल्स के साथ, तो मेरा वो फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। पर यार वो तो चलो गेट रिक्वेस्ट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो किसी को पता लग जाए तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर आप ये भी नहीं चाहते कि कोई गेट रिक्वेस्ट से या फिर ऐसा कुछ आपकी वेबसाइट में यार क्या कहते हैं ओवर ही कर रहा है, आपका सर्वर ही मतलब बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना होता है। तो वो तो यार आगे आने वाली बातें हैं, जैसे जैसे आप एडवांस डेवलपर बनोगे। तो यार मेथड पोस्ट में हम ये CSRF टोकन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं जब हमारा मेथड पोस्ट है तो हमने सिक्योर रखना है हमारा फॉर्म के अंदर जो भी क्रेडेंशियल्स है वो क्या मतलब वो क्या होगी, वो यार सिक्योर होंगी, ठीक है। वो मतलब हम किसी को भी नहीं बताना चाहते। तो CSRF टोकन होती है एक इनपुट वैल्यू। अगर आपको मैं लिख के चलूँ यहाँ पर इस फॉर्म पे रिफ्रेश करूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ इस फॉर्म के अंदर फॉर्म के नीचे एक और इनपुट वैल्यू आई है जिसकी टाइप इसका जो हिटिंग है और नेम उसका CSRF मिडलवेयर टोकन है और उसकी कोई वैल्यू है। और अब यही वैल्यू काम आएगी हमें मतलब फॉर्म सबमिट करने के, यही वैल्यू हमारे CSRF टोकन की। क्यों? क्योंकि यार देखो जब भी हम हमारा पोस्ट मतलब हमारा जब भी ये मेथड से तो जो पोस्ट होगा फॉर्म सबमिट होगा तो यार view.py फाइल में या देखो ये जेंगो में हम सबसे पहले चेक करेगा यार जेंगो हमारा कि ये हमारी ही वेबसाइट से मतलब हमारी ही वेबसाइट से ये फॉर्म फिल हो रहा है ना, किसी और की वेबसाइट पे या किसी और के प्रोग्राम में से तो नहीं फॉर्म फिल हो रहा, तभी हम देते हैं CSRF टोकन। तो यार मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। और जैसे हम रिक्वेस्ट ऑफ पोस्ट के अंदर मतलब जो भी मेथड के अंदर पोस्ट देते हैं तो इसकी क्रेडेंशियल्स कैसे हमने कैच करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बोलता है इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो क्या करो जो भी इनपुट की वैल्यू है वो ले लो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं दूंगा इनपुट और यहाँ पर इसे मैं क्या करूंगा प्रिंट कर दूंगा। तो कॉन्टेक्ट और HTML के अंदर यार देखो इनपुट टाइप से कुछ टाइप यहाँ पर जो नेम आया हुआ है इनपुट जो नेम आया इनपुट तो इसी की वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मतलब जो हम नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं उसी की वैल्यू हम देते हैं रिक्वेस्ट पोस्ट के अंदर। तो यार ये आप देखते ही होंगे तो रिक्वेस्ट पोस्ट तो यहाँ पर आ जाए इनपुट। तो अगर यहाँ पर चलो अपनी वेबसाइट पे तो उसको लिखूँ सबमिट पे बटन पर क्लिक किया टर्मिनल खोलूँ तो देखो जो भी मैंने लिखा था वो मुझे मिल गया।
बस ये था कि आप कैसे काम कर सकते हो फॉर्म्स के साथ, वो भी जेंगो के अंदर। अगर आपने मीडिया भी शेयर करनी है यूजर से तो तब आपने क्या करना है, तो मैं आपको तब भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने सिर्फ देना है इनपुट, जिसकी टाइप आप दोगे फाइल, और उसे भी एक नेम देना, जैसे यहाँ पर मैं दूंगा फाइल। और यहाँ पर एक्शन के साथ मतलब फॉर्म के अंदर एक और आपको क्या कहते हैं एट्रीब्यूट देना है, जो होगा एन टाइप इस इक्वल टू मल्टी पास स्लैश फॉर्म डाटा। और यहाँ पर मैं अगर करता हूँ फाइल में फाइल फाइल इस इक्वल टू, और मतलब जो भी फाइल आ रही है वो मैं पोस्ट मेथड की मदद से ले रहा हूँ ना, मतलब पोस्ट मेथड की मदद से हम लेते हैं, ये देखो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दूंगा नेम रिक्वेस्ट डॉट, मतलब यार देखो पोस्ट में आ रही है ना, इफ रिक्वेस्ट और मैथड इक्वल टू पोस्ट, जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है तभी ये मेरे कोड रन करेगा, जब इसकी रिक्वेस्ट मेथड क्या होगी पोस्ट। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट और पोस्ट इनपुट वैल्यू उसके ले रहा है। और जब हमने फाइल को कैच करना है तो हमारे पास होता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल, और इसके अंदर हमने देना है जो भी फाइल का नाम है, जो मैंने दिया फाइल, ये देखो जो भी है मेरे पास फाइल। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर फाइल, सॉरी यहाँ पर मैं करूंगा फाइल वैल्यू इज, और यहाँ पर मैं दूंगा फाइल, तो फाइल का यहाँ पर नाम होगा। तो मुझे यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना होगा, तो देखो अगर मैं चूज फाइल पे क्लिक करूँ और ये फोल्डर पीएनजी मैंने चूज की है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कर लूँ लिख दूँ और सबमिट पे बटन पे क्लिक करूँ, टर्मिनल ओपन करूँ, तो फाइल नेम क्या है फोल्डर पीएनजी, हमारे पास वो फाइल आ रही है और यहाँ पर वैल्यू भी आ रही थी, मतलब वैल्यू भी आ रही है। तो गाइस ये था कि आप कैसे वर्क कर सकते हैं फॉर्म्स के साथ वो भी जेंगो के अंदर। अगर आपकी यार ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है या फिर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत ही भूलना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।